पिता साथ है तो पानी में तैर सकते हैं, पिता साथ है तो पानी में तैर सकते हैं और पिता के बिना पानी में डूब जाते हैं। जी हाँ गाइस, इस पिक्चर से मेरे जीवन रिलेट कर पाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिता के बिना मेरे जीवन संघर्ष। और आप लोग मुझे कई बार सवाल पूछते हो कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और क्या आप जॉब करते हो, तो आज के वीडियो में सारे चीजों का आपको पता चल जाएगा। हे गाइस, तो आज मैं थोड़ा डिफरेंस वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे लाइफ के साथ जुड़ी हुई कहानी, यानी मेरे कॉलेज लाइफ से लेकर मैरिज लाइफ तक मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, मुझे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी, डिटेल्स में शेयर करूंगी। और ये वीडियो बनाने की मेरा यही मतलब है, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो और आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हो, हर रोज इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो, इतना अप्रिसिएट करते हो मुझे। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना और भी क्लोज हो जाऊं, ताकि आप मुझे और भी करीब से जान सको, क्योंकि आप लोग मुझे रोज देखते हो तो आपको मेरे बारे में अच्छे से डिटेल्स में पता होना चाहिए। तो यही रीजन है आज का ये वीडियो बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है तब की, जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी और मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, यानी मैं अपना ग्रेजुएशन हॉस्टल में रहकर कर रही थी। और एक दिन अचानक मेरे पापा बीमार पड़ गए और कई महीनों तक उनका ट्रीटमेंट चला, पर ट्रीटमेंट के बाद भी पापा के हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया। और एक दिन हमारे लाइफ में एक ऐसा तूफान आया कि पापा हमें छोड़ के चले गए और तब मानो कि हमारे लाइफ में पूरा अंधेरा छा गया। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तब मैं फाइनल ईयर में थी और तब मेरे लिए फाइनल एग्जाम देना बहुत जरूरी था, पर पापा के जाने के बाद मैं हॉस्टल में रहकर और पढ़ाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और तब हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो गए थे, क्योंकि पापा के ट्रीटमेंट में हमारे बहुत सारे पैसा खर्च हो गए थे और हॉस्टल का खर्चा अफोर्ड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। पर मुझे तो फाइनल एग्जाम देना ही था। फिर मैं जाकर अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट से बात किया, एप्लीकेशन सबमिट किया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, बिना क्लास अटेंड किए क्या आप मुझे फाइनल एग्जाम के लिए अलाउ करोगे? और डिपार्टमेंट ने मेरे मुश्किल हालातों को समझा और लकीली मुझे अलाउ भी किया फाइनल एग्जाम के लिए। और तब मैं हॉस्टल से वापस घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया सेल्स में, जहाँ पे मेरा जॉब आवर्स था 9 to 3 और घर से मुझे जॉब के लिए 12 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता, जो कि मैं साइकिल से ट्रेवल करती थी। और उसके लिए मुझे जो सैलरी मिलता था इतना ही कम था। अगर मैं आपको बताऊं सैलरी कितना मिलता था तो आप यकीन नहीं करोगे। और कुछ महीने ऐसे ही चला और मेरे एग्जाम के टाइम करीब आ गए थे, जिसके लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि तब मुझे पढ़ाई भी करना था। सो मेरा एग्जाम भी हो गया और रिजल्ट भी आ गया, बट मेरा परसेंटेज जो है वो कम था। और उसके बाद मैं आगे पढ़ाई भी और नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम मिडिल क्लास से है और पापा भी नहीं थे तब, और इतना सारा आगे की पढ़ाई के लिए मेरे घर वाले, मेरे मम्मी एफोर्ड नहीं कर पाते तब। और मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई भी है, जैसे कि आप सबको पता है, तब वो क्लास 7-8 में पढ़ता था। सेल्स के जॉब छोड़ने के बाद मैंने एक स्कूल में जॉब ज्वाइन किया और वो भी प्राइवेट जॉब था, जहाँ पे मेरा सैलरी मेरे पहले वाले सैलरी से भी कम था। और जिस स्कूल में मैंने जॉब ज्वाइन किया, मैं उस स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, यानी मैं उस स्कूल की एक्स स्टूडेंट प्लस टीचर थी। हालांकि मुझे टीचिंग उतना पसंद नहीं है, पर आप इस बात को नेगेटिवली मत लेना, क्योंकि हर किसी के अलग अलग चॉइस होता है, हर किसी के अलग अलग पसंद होता है। हालांकि मेरे शादी टीचर्स फैमिली में हुआ है, यानी मेरे फादर इन लॉ टीचर है, मेरे मदर इन लॉ टीचर है, मेरे सिस्टर इन लॉ टीचर है, यहाँ तक भी मेरे हस्बैंड भी टीचर थे, बट अब वो कुछ और जॉब करता है। फिर भी मुझे उस कंडीशन में टीचिंग करना पड़ा, यहाँ तक मैंने प्राइवेट ट्यूशन भी लेना शुरू कर दिया। मेरा स्कूल का जॉब था 9 to 2 PM। स्कूल से आने के बाद फिर मैं शाम को प्राइवेट ट्यूशन भी लेती थी। और स्कूल में मुझे लगभग एक साल जॉब करने के बाद मुझे एक कंप्यूटर फैकल्टी की जॉब मिली और मैंने तब वो जॉब ज्वाइन कर ली, क्योंकि वहाँ पे मुझे सैलरी थोड़ा ज्यादा मिल रहा था। और उस इंस्टीट्यूट पे भी मैंने लगभग एक साल जॉब किया और उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। सो गाइस, यही थी मेरे शादी से पहले की स्ट्रगल कहानी। तो गाइस, ये था पापा के बिना मेरे जीवन का संघर्ष। सो गाइस, अगर आप पहले से मेरे चैनल पे हो, मेरे फैमिली हो, तो लाइक करना, कमेंट करना। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, मेरे और भी स्ट्रगल की कहानी जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे। फिर टेक केयर एंड बाय बाय।